नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां कानपुर रोड स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल द्वारा आयोजित 25वें अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन का आज समापन हुआ। सीएमएस के ऑडिटोरियम में 5 दिनों तक चले इस ऐतिहासिक सम्मेलन में विभिन्न देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट के स्पीकर, इंटरनेशनल कोर्ट के न्यायाधीशों सहित 56 देश से आए 200 से अधिक न्यायविदों एवं कानूनविदों ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का समर्थन करते हुए विश्व एकता, विश्व शांति की वकालत की। आज सम्मेलन के समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की अगुवाई में विभिन्न देशों से पधारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य प्रख्यात हस्तियों ने सर्वसम्मति से लखनऊ घोषणा पत्र जारी किया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की एक खास रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन के समापन पर वसुधैव कुटुंबकम को चरितार्थ करने का संकल्प लिया गया और विश्व शांति, विश्व एकता, पर्यावरण की सुरक्षा इत्यादि मुद्दों पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की अगुवाई में देश विदेश से आए अतिथियों ने सर्वसम्मति से लखनऊ घोषणा पत्र जारी किया। इस अवसर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि स्वतंत्र देव सिंह ने इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अत्यंत सफल आयोजन हेतु सीएमएस को बधाई देते हुए कहा कि विभिन्न देशों से पधारे मुख्य न्यायाधीशों व अन्य गणमान्य अतिथियों ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 की भावना के अनुरूप सारे विश्व में एकता एवं शांति स्थापना के लिए आज सर्वसम्मति से जो लखनऊ घोषणा पत्र जारी किया है, उसके माध्यम से भावी पीढ़ी को सुरक्षित भविष्य का अधिकार अवश्य मिलेगा और एकता, शांति व समता की भावना पर आधारित नवीन विश्व व्यवस्था का निर्माण होगा। आज जब दुनिया युद्ध, जलवायु परिवर्तन, सीमा विवाद, आतंकवाद और महामारी जैसे गंभीर मुद्दों का सामना कर रही है, तब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करना और शांतिपूर्ण साधनों से समाधान तलाशना इस अनुच्छेद की प्रासंगिकता की ओर अधिक बढ़ा देता है। आप देखेंगे कि विश्व के अंदर आदरणीय मोदी जी का भी यही सपना है, वह सपना साकार हो रहा है। देश के अंदर आज पूरे विश्व एक शांति के मार्ग पर, युग के मार्ग पर, वृक्षारोपण के मार्ग पर और जल संकट से उबरने के लिए काम कर रहा है। यह अनुच्छेद हमें सिखाता है कि संघर्ष और विभाजन के बजाय संवाद, सहयोग, समझ का मार्ग हमें एक अस्थायी रूप, अस्थायी और शांतिपूर्ण विश्व व्यवस्था की दिशा में ले जा सकता है। भारतीय संविधान का एक प्रावधान ने न केवल भारतीय समाज को प्रेरित करता है, बल्कि एक वैश्विक आदर्श भी स्थापित करता है। वास्तव में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 केवल कानूनी शब्दों का एक समूह नहीं है, बल्कि यह विश्व समुदाय के लिए एक मार्गदर्शक और प्रकाश स्तंभ है। यह हमें याद दिलाता है कि शांति, सुरक्षा और न्याय प्राप्त करना तभी संभव है जब हम सभी एकजुट होकर पारस्परिक सम्मान और सहयोग के साथ काम करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आज से 24 वर्ष पूर्व स्वर्गीय डॉक्टर जगदीश गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया सम्मेलन सारी दुनिया के बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए एक सशक्त विश्वव्यापी शासन देने में अवश्य सफल होगा। इसके लिए मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि सारे विश्व को एक परिवार बनाने का सपना साकार हो सके और यही हमारी जगदीश गांधी जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि। इस अवसर पर न्यायविदों व कानूनविदों ने अपने विचार रखते हुए एक स्वर से कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र में अविलंब सुधार की भारी आवश्यकता है। भावी पीढ़ी को सुरक्षित भविष्य हेतु एक नवीन विश्व व्यवस्था के गठन तक हमारा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। सम्मेलन के समापन अवसर पर जारी किए गए लखनऊ घोषणा पत्र में न्यायविदों व कानूनविदों ने विश्व एकता, विश्व शांति, पर्यावरण सुरक्षा एवं जलवायु परिवर्तन रोकने हेतु ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। साथ ही मूलभूत अधिकारों, सभी धर्मों का आदर करने एवं विद्यालयों में शांति व एकता की शिक्षा देने के लिए भी कहा गया है। कई देशों से आए न्यायविदों ने कहा कि वो अपने अपने देश जाकर अपनी सरकार के सहयोग से इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, जिससे विश्व के सभी नागरिकों को नवीन विश्व व्यवस्था की सौगात मिल सके। सम्मेलन के समापन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए लखनऊ सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की प्रबंधक प्रोफेसर गीता गांधी किंगटन ने कहा कि आयोजित 25वां अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। 25वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सिटी मॉन्टेसरी स्कूल द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
ये 25वां वर्ष है जिसमें लगातार इस सम्मेलन का आयोजन होता रहा है। इसकी मेन थीम है जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 51 है, उसमें जो वर्णित है कि किसी भी एक देश के भारत गणराज्य के जो संबंध और देशों के साथ कैसे होंगे, उसका इसमें उसमें इस अपने हमारे देश की प्रतिबद्धता दिखती है। और अगर हर एक देश का जो संविधान है, कानून है, वो इसी तरीके की भावना को अपना सके जिस तरीके की भावना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में है, तो मुझे लगता है कि शांति बहुत आसानी से आ जाएगी। इसके अंदर जो विचार है वो हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का जो विचार है वसुधैव कुटुंबकम का, उसी से ये प्रेरित है ये वाला अनुच्छेद 51। और आज जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो 80 साल पहले लगभग उसका जो चार्टर है वो बना था, वो 80 साल में ज़रा भी संशोधित नहीं हुआ है, जबकि विश्व समाज जो है वो काफ़ी उसमें बदलाव आया है। और आज की चुनौतियाँ नई चुनौतियाँ हैं जिनको जिन समस्याओं से ठीक से डील करने के लिए ये चार्टर जो है वो अभी उपयुक्त शायद नहीं है। तो यहाँ पर ये चर्चाएं हुई कि किस तरीके से एक विश्व व्यवस्था जो आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी हो, जो भविष्य को एक सुंदर और सुरक्षित भविष्य बना सके, किस तरीके की हमें एक विश्व व्यवस्था चाहिए और उसमें जुडिशरी का क्या की क्या भूमिका हो सकती है, उस तरीके की सुंदर समाज को बनाने की परिकल्पना में जुडिशरी का रोल क्या हो सकता है। तो आपके माध्यम से ये बात बाहर जाएगी, व्यापक रूप से फैलेगी, इसके लिए आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस को सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की फाउंडर डायरेक्टर एवं संस्थापक डॉ. जगदीश गांधी की धर्मपत्नी भारती गांधी ने भी संबोधित किया। उन्होंने विश्व में एक दूसरे के प्रति नफरत एवं युद्ध पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने अपील की है कि दुनिया के सभी देशों के लोग एक मंच पर आएं और विश्व शांति, विश्व एकता सहित जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में प्रभावी कदम उठाएं। आज हमारे बीच में सारे विश्व के न्यायाधीश पधारे हैं, 57 देशों से लगभग 200 न्यायाधीश आए हैं, जिसमें कि गवर्नर जनरल भी हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स भी हैं, स्पीकर्स भी हैं, और विश्व को क्या दिशा देनी चाहिए इसके लिए जो न्यायाधीश हैं उनके विचार बहुत बहुमूल्य हैं। मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ, श्री जगदीश गांधी जी ने यहाँ आकर के हम श्री जगदीश गांधी जी ने जब से हमारा उनका मिलन हुआ आज से 65 साल पहले, तब से वो इन्हीं विचारों को हमारे जहन में डालते रहे और हमें ये अच्छी तरह पता है कि वो चाहते थे कि हम स्कूल खोलें, तो स्कूल खोलें तो पहले टीचरों को तैयार करें, तो इसलिए पहले ही साल आज से 65 साल जब शुरू हुए आदरणीय मंत्री जी, तो उन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज खोला जिसका कि हमें डायरेक्टर प्रिंसिपल बनाया और हमको बताया कि पहले ये तय करो कि ये टीचर्स बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। तो वो महात्मा गांधी के परम भक्त थे, तो महात्मा गांधी कहते थे जय जगत, तो उन्होंने कहा कि हम बच्चों को जय जगत सिखाएंगे। और धीरे धीरे भारत की जो संस्कृति है, वेदों में जो लिखा है उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये सिखाएंगे। और दुनिया में जो लड़ाइयां होती हैं, इन लड़ाइयों को समाप्त करने के बारे में कोई फॉर्मूला देंगे। तो बस ये विचार ही तो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब वो ये खोज करते रहे कि हम कैसे करें, क्या करें, प्रेरणा कहाँ से लें, तो भगवान ने महात्मा गांधी के
प्रेरणा से और आप सब लोगों के शुभ आशीर्वाद से हम बच्चों को क्या पढ़ाएं, इसका उन्होंने हमको मार्गदर्शन दिया, भगवान ने उनको मार्गदर्शन दिया और उसमें से निकल के आया चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस। और चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये होता है कि दुनिया में अगर जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अगर आपको कोई श्रेष्ठ विचार देना है तो सबसे पहले श्रेष्ठतम व्यक्तियों को दीजिए। तो हमने बच्चों को तैयार किया, वो हमारे लिए श्रेष्ठतम व्यक्ति हैं और हमारे विद्यालय के अंदर केवल इस तरह के बच्चे तैयार किए जाते हैं जो कि विश्व की सरकार बनाएंगे, विश्व एकता के लिए काम करेंगे और विश्व की सरकार बना करके जैसे कि पुराने जमाने में हमारे यहाँ पर जैसे जयचंद ने चढ़ाई की बिहार पर पृथ्वीराज चौहान पर, तो रोकने वाला कोई नहीं था। अब कोई करके देखे तो मोदी जी आ जाएंगे, भारत की सेना आ जाएगी, तो कोई लड़ाई अब हमारे भारत के अंदर नहीं हो सकती है। ऐसे ही पूरे विश्व के अंदर भी कोई लड़ाई ना हो, इसके लिए विश्व सरकार की आवश्यकता है जो हमारे माननीय न्यायाधीशों ने हमको पूरी तरह से मार्गदर्शित किया है। वी आर गाइडेड बाय देयर रिजोल्यूशन जो उन्होंने आसपास किया है कि सारे दुनिया का जो फेडरेशन हो उसके अंदर जो हो वर्ल्ड गवर्नमेंट का फेडरेशन हो, विश्व व्यवस्था हो, ताकि कोई रोक सके हमारे रूस को और उन पर चढ़ाई करने के लिए, ताकि लड़ाइयां बंद हो सके। हम ऐसी दुनिया चाहते हैं जो प्यार भरी दुनिया हो, जिसके अंदर लड़ाइयां हो ही नहीं। ये हमारे बच्चे करेंगे, ये जगदीश गांधी जी ने हमको सिखाया और हमारे को मार्गदर्शन देने के लिए विश्व के सारे महान चीफ जस्टिसेस, सारे लीगल ल्यूमिनरीज हमको गाइड करते हैं, हर साल ये सम्मेलन करते हैं और हम लोग उस दिशा में बढ़ रहे हैं। और हमें गर्व है कि हमारे 63,000 बच्चे मानव एकता के लिए, विश्व में जय जगत लाने के लिए, वसुधैव कुटुंबकम बनाने के लिए, विश्व में शांति लाने के लिए, विश्व से लड़ाइयां मिटाने के लिए, सारी दुनिया में एकता का बिगुल बजाने के लिए वो इस मार्ग पर चल रहे हैं। और हम क्या पढ़ाएं, यही हम बच्चों को पढ़ाते हैं और यही हमको मार्गदर्शन मिलता है। हम बहुत जोश में आ जाते हैं सारे जब विश्व के न्यायाधीश मिलकर के हमारे को इतना अच्छा रिजोल्यूशन दिया उन्होंने आज कि हमें सबको सारे दुनिया के बच्चों को क्या पढ़ाना है, विश्व एकता की शिक्षा देनी है सब बच्चों को विश्व में शांति के। और आपको जान के खुशी होगी कि हमारा जो ये न्यू एजुकेशन बना है, ये बनाया है भारत सरकार में, उसमें ये पीस एजुकेशन इज कंपलसरी, हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। आप पत्रकार जन हम लोगों का प्रसार प्रचार करिए, तभी तो होगा। आप लोग तो हमें मदद करिए, आप ही तो फैलाएंगे। कहते हैं एक जने के बोलने से नहीं होगा, जन जन की पुकार से होगा। तो जन जन की पुकार, आप महात्मा गांधी ने जब कहा था तो सब लोग बोले थे अंग्रेजों भारत छोड़ो, ऐसे ही सब लोगों को बोलना है कि दुनिया से लड़ाइयां बंद करो। और हम उस ओर प्रयास कर रहे हैं। हमें आपका मार्गदर्शन चाहिए, जन जन का मार्गदर्शन चाहिए। हम बच्चों के टीचर हैं, हम वही पढ़ाएंगे जो बच्चों को शांति की ओर ले जाएगा। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।